खुश रंग परिंदों ने बरसात की कंकर की दिल जो दिल जो बहुत अमदाबाद। ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الله تعالى في أمانة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر أنزل الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজে বসে আছে আমার বিদ্বান ওলামা ইকরাম তারপর শোরা এজাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডারতে বসে আছে আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি আপনার মেহমান আছি আল্লাহর নবীর ফরমান আছে আপনার মেহমানের ইকরাম করো ওনার খিদমত করো ওনার ইজ্জত করো কলকাতা থেকে এসেছি মাশাআল্লাহ তো আপনারা আমার ইকরাম করবেন না করবেন তো আচ্ছা একটা কথা বলছি যদি আপনারা মানবেন বলবো না মানবেন বলবো না আপনারা মানবেন যদি বলবো বলবো আরে বলে বলে ये जो हमारा भाई खड़ा है नौजवान खड़ा है क्या आपको अच्छा लग रहा है कि आप बैठे वो खड़ा रहे अच्छा लगेगा वो मेरा भाई खड़ा है क्यों खड़ा है उसको जगह नहीं मिल रही है थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाना मेरा भाई थोड़ा सा जगह मिल जाए इंशाल्लाह देखिए बच्चा से कितना होशियार है पढ़ा लिखा नौजवान सा भाई थोड़ा पढ़ा जाओ भाई थोड़ा 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 सा चक्कर लेंगे थोड़ा सा हिल जाइए आ जाइए आगे जी आइए इतना तो जगह यहाँ पर आ गया आ जा भाई थोड़ा थोड़ा आगे आ जा थोड़ा सा हरकत में बरकत है अकड़ में पकड़े आजा भाई भाई जो खड़े हैं वो खड़े मत रहिए खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए मेरे बच्चों बैठ जाओ अगर जलसा देखने आए तो कोई बात नहीं और जलसा सुनने आए तो बैठ जाओ पीछे जगह नहीं आगे बहुत जगह है आगे आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह अब आज साइड साइड से आगे आ जाए आगे आ जाइए कोई एक भी नौजवान खड़ा नहीं रहेगा कोई एक आदमी भी खड़ा नहीं रहेगा जब तक आप बैठेंगे नहीं मैं थकने शुरू नहीं करूंगा कोई खड़ा नहीं रहेगा भाई ए बाबू ए नौजवान ए बच्चा चाना बैठना बेटा बैठना भाई वाह ये देखिए सारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान है ये बच्चा सब समझ गया इशारा समझ गया क्या कहने भाई वाह सारे लोग बैठ गए अब देखिए इसी मजमे को देखिए आप नजर घुमा करके कितना अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बैठ गए बड़ा पाक मजलिस है ए बेटा उठ के बैठो ना कमर ठीक नहीं है क्या कमर ठीक है ये बुढ़वा हो गया क्या तो अच्छा एक बात आप करो कि जब तक मेरा बयान है कोई जाने आने का सिलसिला नहीं रहेगा ना नहीं जाएगा क्या ना लेकिन जवाब है भाई लग ले ठंड का समय है इसको कोई रोक सकता है नहीं
बहुत सारे लोग शुगर पेशेंट है, किसी को पेशाब की शिकायत है, कोई कुछ है। एक जलसे में खड़ा था, तय कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा की हुए बोला नहीं, हमने कहा बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ गए। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला बहुत जोर से लग गया हमको, हमने बेटा बस मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, बैठ जाओ, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, वो बैठा हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि अब जा, 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 जा। बोला नहीं जा, बोले क्या नहीं जाओ, बोले बोले की करवा जाओ, जे करवा जाओ यही शाम है, अब जावार जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बस अपनी किस्मत में जितना नाज करो कम है। इस कड़ाके की ठंड में अल्लाह ने बिस्तर से उठाकर अपने जिक्र में लगा दिया है, अपनी किस्मत में जितना नाज करो कम है। ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इसी बस्ती में अपने बिस्तर पे सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ओ मेरा बंदा तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें याद करेंगे, हम तुम्हें याद करेंगे। बेचना नाम है, जिसका नाम बेचना होगा वो जिंदगी भर बेचैन रहेगा। बड़ा अच्छा मजमा, कोई जाने वाले का सिलसिला नहीं बनाना बेटा, दिल जमी के साथ सुन, बड़ा अच्छा मजमा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, ए अल्लाह आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है, ए अल्लाह हम सब के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले। अच्छा, आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं, साफ आवाज है। बस तो एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, कल आप लोगों ने दिल खैराबादी को सुना है तो प्यास आप नहीं होगी, प्यास बुझ गई है, प्यास है। अच्छा, पॉकेट में पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ ये सखी लोगों का इलाका है, दिल वाले लोगों का इलाका है, अल्लाह अकबर कबीरा, फैयाज लोगों का इलाका है। मैंने इस इलाके में जब जब भी अपने दामन को मदरसे के लिए चाहे मस्जिद के लिए फैलाया है, लोगों ने अपनी मोहब्बत से मेरे दामन को धो दिया। और इस इलाके का मैं मिसाल देता हूँ, चाहे बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो, जहाँ भी तकलीफ करने जाता हूँ तो मैं इस इलाके का मिसाल देता हूँ कि लोगों अगर तुम्हें देखना है दिल वाले लोग तो आओ सीमांचल का इलाका आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जहाँ के बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जहाँ का बच्चा बच्चा सखी है, जहाँ के बच्चे के अंदर में कूट कूट कर सखावत भरी हुई है, तो नाते पाक के एक शेर पहले मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे फिर भी सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने मदीने में, आमीना का रहता है अरे लाडला मदीने, आमीना का रहता है अरे लाडला मदीने में, आमीना का रहता आपको समाप्त। अच्छा, इस नाते पाक के और भी शेर हैं, इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इरशाद हो सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितने लोगों ने सुनेंगे, जरा हाथ उठा बताइए।
अच्छा भूल है ये इंशाल्लाह कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सुनेंगे हर दर्द दर्द गम का दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है आसियो आसियो चलो ले आसियो चलो ले ले दाखिला मदीने में आसियो चलो ले ले दाखिला मदीने में आसियो चलो इसलिए कि आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा ये बेकार नहीं जाएगा आप अभी अपने बिस्तर पे होते गर्म कपड़ों के अंदर में लिपटे होते लेकिन कुर्बान जाओ आप अपनी मर्जी से नहीं आए आप अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि अल्लाह ने बुलाया है जरा सुभान अल्लाह इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि बंदा उस वक्त तक कोई नेक अमल नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह तौफीक ना दे जब तक अल्लाह तौफीक ना दे बंदा नेक काम नहीं कर सकता है बंदा नेक अमल नहीं कर सकता है ये अल्लाह की तौफीक है अल्लाह ने बिस्तर से उठाकर अपना जिक्र में लगा दिया है हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है और एक बात याद रखें ये मेहनत हो रही है अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है और अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता आप क्या समझ रहे हैं जो मेहनत हो रही है तो अल्लाह मजदूरी देगा कि नहीं देगा भाई अल्लाह मजदूरी देगा कि नहीं देगा और कुर्बान जाओ ओ मेरा अल्लाह मजदूरी देगा और मजदूरी क्या होगी मजदूरी क्या होगी मजदूरी होगी दुआ मजदूरी होगी दुआ मजदूरी होगी दुआ अभी आप मेहनत कर रहे हैं मजदूरी लेंगे कि नहीं लेंगे मजदूरी लेंगे ना मजदूरी है दुआ इंशाल्लाह दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग दुआ करके जाएंगे लेकिन देखा गया है
कि कितने जगहों पे मेरी तकलीफ लोग सुन लेते हैं, लेकिन जब चंदा की बारी आती है लोग भाग जाते हैं। बोला नहीं, अब बैठना खतरा खाली नहीं से मुझे सब चंदा लेकर पूरी तकलीफ सुनिए। देखिए चंदा देना ना देना अलग बात, अब दिन की बातें सुने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रास्ते में आ रहा था, बहुत भीड़ थी। तो देखा कि बहुत सारे नौजवान है, तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है, जलसा यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा? बोला नहीं, जलसा तो वहाँ हो रहा था। बोले ये कौन लोग? बोले ये जलसा देखने वाले वाले। जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने के लिए आते हैं, एक जलसा सुनने के लिए आते हैं। सुनने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और देखने वाला बाजार में घूम रहा है, पूरी रात घूमेगा, कल दिन में सोएगा। पूछने वाला पूछेगा कि मियां रात सुबह दिनों सुबह ही रात को पहन गया? बोले जलसा देखवा गया। बोले की सुन लो? बोले मुख की पता नहीं, चाहे तो कल अच्छा हो जाए। अल्लाह सबको जजा देगा, किसी की मेहनत को जाया नहीं करेगा। जो इंसान